तो गाइस होटल जाने का सफर शुरू हो गया है एंड इट्स रेनिंग आउटसाइड, यू कैन सी। तो गाइस कोसुमई में हम पहुंच गए हैं। ये हमारा आज का स्टे का अपार्टमेंट है। यू कैन सी गाइस, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर लिविंग। दिस विल बी आवर स्टे टुडे। It's heavily raining here, but this will be our stay, guys. Here is the ocean view. It's not clear because it's raining, but it's so beautiful from here. You can see this is our apartment where we are staying. Let me show you the kitchen. This is the bedroom, beautiful, beautiful place. I again thank you Just Go Life and Karthik for making this arrangement for us. See the, I hope you can see जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सी, एक माउंटेन ही अंदर, वो काटा नहीं गया इसे, दीवार से अंदर ही आ गई है। एंड इट्स अ वेरी नाइस थिंग। तो ये देखिए, और दिस इज वेयर बाथटब इज एंड दिस इज एन ओपन स्ट्रक्चर, वेरी नाइसली कार्व्ड। ये था घर का टूर जहाँ हम रहेंगे। दिस इज वेयर वी आर स्टेइंग। कैच यू अप विद द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, तो कोसुमई में आए तो हैं हम, बट थोड़ा सा काम बारिश की वजह से ख़राब हो गया। बट कल हम देखेंगे जीप सफारी वगैरह कुछ देखेंगे। और आप ये देख सकते हैं गाइस, इट्स एन अल्टीमेट व्यू। मिलते हैं फिर अगर कुछ अपडेट आता है, बारिश रुकती है तो। 2 घंटे हो गए हैं हमें यहाँ बैठे हुए, बट अभी तक बारिश नहीं रुकी। तो गाइस बारिश हो रही है और हमारे घर में ख़त्म हो गया है सामान खाने पीने का। तो अभी इस बारिश में ग्रैब डिलीवर नहीं कर रहा और हमें जाना है अभी सामान खरीदने। लेट्स सी सामान मिलता है कि नहीं, फिर बताते हैं आपको। गाइस कोसुमई में करियाने की दुकान ढूंढना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो गाइस हमें यहाँ पे एक फ्रेंड मिले हैं, शाय से हेलो। हेलो, सवाडी काप। तो ये हमारी हेल्प कर रहे हैं, ये हमें सामान खरीदने के लिए हेल्प करेंगे, बिकॉज हम काफ़ी सी साइड पे हैं और यहाँ से ये हमारी हेल्प करेंगे सामान वगैरह लेने। तो गाइस रात हो चुकी है, ऐसा कुछ दृश्य घर के बाहर, पूल का, समुंदर में अंधकार। आवाज़ सुन सकते हैं आप, सुबह का व्यू होगा अच्छा। साथ में जो लाइट्स आप देख पा रहे हैं वो रोड है,
और ये कुछ कोसुमई आइलैंड का छोटा सा दृश्य। तो गाइस मैं यहाँ बाहर, अभी ठंडी हवा चल रही है, बारिश होके हटी है, तो बाहर बैठा हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, पंखे चलाने की ज़रूरत थी, थोड़ी सी ठंड फील हो रही थी तो शर्ट भी पहन ली है। वैसे तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, गर्म रहता है मौसम, थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही थी तो कुछ पहन के बाहर यहाँ इंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा कुछ जहाँ से मैं बैठा हूँ वैसा है, बाकी बहुत ही पीसफुल जगह है। तो जहाँ पे ये मैंने विला लिया है, जस्ट गो लाइफ, कार्तिक पंड्यार जी ने करके दिया है, तो यहाँ पे किचन भी है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बना के मैं खा रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने प्याज काटे, और यहाँ पे मसाले नहीं मिलते हैं, तो हरी मिर्ची ले लो आप, तेल भी सोयाबीन का मिला है, ऑलिव ऑयल तक नहीं था। सोयाबीन तेल में तो बाकी सारे नॉन वेज ऑयल्स हैं यहाँ पे, मतलब आप चिकन ऑयल, फिश ऑयल, पता नहीं कौन कौन से। तो 7-Eleven से जितना मुझे मिल सका मैं सोयाबीन ऑयल ही ले आया जो मुझे दिखा, तो उसमें मैंने बनाया था। और आटा नहीं मिलता है, राइस व्हीट फ्लोर मिला, तो उसमें प्याज डाल के थोड़ा सा पता नहीं क्या बना के मैंने खाया, तो एटलीस्ट कुछ खाने को मिला, नहीं तो फिर सैलेड खा खा के पागल हो गया था मैं। तो वो खाया, दूध मिल गया, अदरक मिल गया, चाय पत्ती मिल गई, तो चाय ज़रूर पी दो बार मैंने, तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई कि आज चाय पीने को मिली। बहुत लोगों ने तो कॉफ़ी एंड जो भी यहाँ का सिस्टम है वही जूस वगैरह पी के रहना पड़ रहा था, तो ये दो काम हो गए। और अब कल जीप सफारी के लिए मैंने किया था कि यहाँ पे पूरा जीप में लेके जाते हैं, पूरा कोसुमई आइलैंड की जंगल सफारी एंड ऑल दैट करते हैं। तो मुझे एक दिन फ्री मिला था परसों का, तो मैंने बुक करने की कोशिश की, तो परसों की बुक हो गई है। वो परसों सुबह 10 बजे जीप सफारी के लिए जाया जाएगा, तो फिर देखते हैं वो कैसा रहता है। और कल यहाँ पे एक छोटा सा मेरा काम है, काम करने के बाद 2 आइलैंड हैं यहाँ पे, वो 2 आइलैंड जो भी हैं वो दोनों आपको ज़रूर दिखाएंगे अगर वहाँ गया मैं। और यहाँ पे आने के बाद जैसे यहाँ से 7-Eleven या कुछ भी दूर है तो एक स्कूटी रेंट कर ली है, स्कूटी रेंट भी ईजी है, 300 baht पर डे है, और अगर आप अपना पासपोर्ट दे देते हैं तो भी वो आपको दे देते हैं, नहीं तो सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं 3000 baht। तो मुझे लगा कि सिक्योरिटी अमाउंट देना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो वापस तो मिल ही जाएगी अगर आप स्कूटी देंगे, तो सिक्योरिटी अमाउंट 3000 baht दे के 300 baht पर डे, तो आप उस हिसाब से स्कूटी रेंट कर सकते हैं। स्कूटी जो मैंने ली है वो 500 किलोमीटर ही चली है, एकदम नई है, टैंक फुल करके वो देते हैं, टैंक फुल करके ही आपको उनको वापस देना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कोसुमई में आके मैंने अभी तक की हैं। तो जंगल कैफ़े हम गए थे, वो आपको पता है, वो आपने देख लिया होगा। तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे विला में हैं, तो विला के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप रह सकते हैं, बट अगर आप विला में रहना चाहते हैं जैसे भी आपकी आइटनरी है, तो मैं फिर से आपको सजेस्ट करूँगा जस्ट गो लाइफ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर कार्तिक से कांटेक्ट करें, बहुत अच्छी आइटनरी बना के देंगे आपको, और आपको सजेस्ट भी करेंगे कि ये बेटर है, ये अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो गाइस कांटेक्ट हिम, और फिर मिलते हैं मॉर्निंग आपको, फिर देखते हैं कैसा रहता है कल का दिन। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।